हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेसिपी नोट करिए और चलिए आज की रेसिपी की ओर। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम रॉ पपाया से एक बहुत ही झटपट से बनने वाला स्वादिष्ट और सेहतमंद सैलेड बनाएंगे, जिसके अंदर रोस्टेड पीनट होगी, अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली सब होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पपीता देख करके लीजिएगा, थोड़ा कच्चा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर ही लिए हैं। जो मूंगफली है वो आपकी अगर रोस्टेड नहीं है तो इसको आपको रोस्ट करना पड़ेगा। पपीते को बड़े ध्यान से काटिएगा क्योंकि नाइफ फिसलता है और हाथ कटने का डर रहता है। ये जो पपीता है ये ऑलमोस्ट 1 किलो के करीब है। मैं 300 ग्राम पपीता यूज़ करूँगा, जो कि आपके 2 दिन के लिए 2 जनों के हिसाब से काफ़ी है। कच्चे पपीते के फायदे मोस्टली सभी लोग जानते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इनबॉक्स में मेरे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं और मेरे पुराने वीडियो जो मैंने रॉ पपाया से एक बार और एक डिश बनाई थी उसके अंदर भी पढ़ सकते हैं। पपीते की कटिंग को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो खाने का मज़ा है वो आपकी जो कटिंग है उस पर डिपेंड करता है। आपके जो पपीता है वो प्रॉपरली जूलियन कट लंबी लंबी स्ट्रिप्स में होना चाहिए, उसके लिए आपको तकलीफ होगी। इसलिए जो इसके कॉर्नर्स हैं उसके अंदर उसकी साइडें हटा करके उसको फ्लैट कर लेंगे, जिससे कि आप इसको पतला पतला स्लाइस में काटें और फिर उसको शेडेड कर सकें। नहीं तो आप कद्दूकस कर सकते हैं, कद्दूकस से लंबा लंबा अगर आप इसको स्ट्रिप्स में लेंगे और फिर आपको इसको जूलियन करने में आसानी रहेगी। थाईलैंड में रॉ पपाया से एक बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सैलेड बनता है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे सोमताम कहते हैं। बट उसके अंदर ड्राई फिश और उनके खुद के इंग्रेडिएंट्स, आपका फिश ऑयल, फिश सॉल्ट और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं जो नॉन वेजिटेरियन उसको बना देती हैं। बट यहाँ पर हम इसको प्योर वेजिटेरियन बना रहे हैं और इसीलिए मैंने इसको रॉ पपाया सैलेड बोला है, सोमताम नहीं बोला है, क्योंकि ये उसका वेजिटेरियन ऑप्शन है। मैं जब थाईलैंड में था वहाँ पे मैंने अधिकतर सब घरों में, इवन दो रेस्टोरेंट के अंदर भी वुड से बना हुआ मडलर रहता था, जिसके अंदर ये लोग सोमताम अपना रॉ पपाया सैलेड के सारे इंग्रेडिएंट्स डालते थे और फिर उसको कूट करके अच्छे ढंग से धीमे धीमे मिक्स करके उसको बनाते थे। कटिंग आपने देखी ली है, आपका जो नाइफ है वो शार्प होना चाहिए। नॉर्मली लोगों में ये मिथ है कि नाइफ अगर शार्प होगा तो हाथ कटने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, जबकि अगर आपका नाइफ अगर शार्प नहीं है तो हाथ कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपके नाइफ को शार्प रखना बहुत ज़रूरी है। एक शेफ जो है वो अपना दिन में कम से कम 2 बार नाइफ शार्प करता है, ड्यूटी पे काम करने से पहले और ड्यूटी ख़त्म करने के बाद। कच्चा पपीता आपको 12 महीने में मिल सकता है और आराम से हर जगह अवेलेबल होता है। वो एक एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा था कि पेट सफा हर रोग दफा, बेसिकली बात बिल्कुल सही है। बट उसके लिए हमें नेचुरल चीज़ को अगर हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपका रॉ पपाया आपके बॉडी में, आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को इतना ज़्यादा क्लीन करके रखेगा जिससे कि आपको ये फीलिंग नेचुरली पता लगेगी। तो आप इसको अल्टरनेट डेज पे खा सकते हैं। आप एक बार सैलेड बनाएंगे पूरा हफ्ता चलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि पपाया के अंदर बाकी चीज़ें जैसे अनियन, टमाटो आपको नहीं मिलाना है। आप पपाया बना लीजिए, लेमन और शुगर मिला करके उसको रख लीजिए और बाकी चीज़ें अपने यूज़ के हिसाब से, जैसे कि अगर आपको खानी है तो आप उसको उसके अंदर मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप बस 2 घंटा उसको रेस्ट दीजिए, वो प्रॉपरली मैच्योर हो जाएगा। आपका पपाया ऑलरेडी मैच्योर है ही और उसका टेस्ट आपको पता लगेगा। इसके अंदर जो पीनट डलेगी वो पीनट आपका पाउडर करके अगर आप डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा और अगर आप इसको नॉर्मली हल्का सा क्रश करके मिलाएंगे तो टेस्ट थोड़ा अलग होगा, लेकिन पीनट से इसका स्वाद बिल्कुल ही बदल जाएगा, जो आपको पता लगेगा जब आप इसको बनाएंगे। तो अब इसमें से आधा मैं रख रहा हूँ बाद के लिए और आधे का मैं सैलेड बनाऊँगा, जो कि मैं अभी आज और कल में खा के ख़त्म कर दूँगा। आप भी देखिए और देखने के बाद ज़रूर बनाइए और मेरे को फीडबैक दीजिए कि आपको ये सैलेड कैसा लगा। धनिए को भी एक बार कटिंग करनी है,
एक बार चॉप करने का दोबारा उसमें नाइफ नहीं लगाना है, नहीं तो धनिया काला पड़ जाता है। सीजनिंग के साथ साथ जो सैलेड में कटिंग यूज की जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लाल मिर्च भी खा सकते हैं वो ड्राई रेड चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, पर मेरी एडवाइस है कि आप ग्रीन चिली ही यूज करिए। ग्रीन चिली ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होती है और अगर आपकी स्टमक को जेल कर जाए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है। अनियन और मिर्ची की जो क्वांटिटी है वो रेसिपी के हिसाब से एक न्यूट्रल रेसिपी है। आप चाहें तो अनियन और चिली जो है वो बढ़ा सकते हैं इसके अंदर अपने स्वाद के अनुसार। यहां पर मैं डेढ़ नींबू यूज कर रहा हूं और चीनी यूज करूंगा इसके अंदर हल्की सी मिठास के लिए। आप चाहें तो हनी यूज कर सकते हैं और नींबू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा खट्टापन चाहिए तो। दोस्तों, आप लोगों के प्यार से मेरे अब तक 150 वीडियो कवर हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ही ऐसे अपने वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। मूंगफली के अंदर आपको मूंगफली को रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद मतलब भूनना है हल्का सा, नहीं तो पैन में आप हल्का सा भून सकते हैं धीमी आंच पे, और उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको आप कूटेंगे, नहीं तो मिक्सी में जो ग्राइंडर होता है उसमें हल्का घुमाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अगर पाउडर आपको चाहिए तो आपको मिक्सी में घुमाना होगा, उसका टेक्सचर बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा। और अगर आप ऐसे हल्का सा कूट करके डालेंगे तो वो थोड़ा ग्रेन्यूल्स की तरह होगा, उसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। लेकिन गर्म में मत कूटिएगा क्योंकि इसके अंदर इसका ऑयल बाहर आ जाता है और ऑयल अगर बाहर आएगा तो उसका स्वाद थोड़ा बदल जाएगा। एक ढक्कन इसके अंदर मैंने आपका सोया सॉस डाली है, डार्क सोया सॉस, मतलब आपकी एक टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी चीनी डाली है, यहाँ पे आप हनी भी यूज कर सकते हैं या ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं। काला नमक, सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर तीनों में से कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल अपना सफेद नमक जो होता है वो यूज कर सकते हैं। काली मिर्च भी अगर आप थोड़ी सी भून करके हल्का सा ब्रॉयल करके और उसको फिर क्रश करके डालेंगे तो उसका खुशबू और अच्छी आएगी, क्योंकि फ्रेश जब काली मिर्च के दाने जो भुनते हैं और क्रश किए जाते हैं उसका फ्लेवर एक अलग ही लेवल पे आ जाता है। इसको मिक्स करके 2 घंटे का रेस्ट देंगे फिर ये खाने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल इंडिकेशन जरूर दबाइएगा मेरे अगले वीडियो के अलर्ट के लिए। मैं शेफ नितिन जैन NJ सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं और अब आपसे मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। NJ स्पेंडलेस ईट बेस्ट।